पप्पू को एडवाइस तो एडवाइस तो देना पड़ेगी नहीं थोड़ा बड़ा हो जाए टाइम से थोड़ा बड़ा हो जाए बस यही एडवाइस है राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी था देश का फ्यूचर है फ्यूचर तो युवा ही रहेंगे हम राहुल गांधी युवा है 48 साल की उम्र में तो ये 70 साल के क्या कर रहा है 70 साल के कौन से मैराथन में दौड़ रहे हैं बताओ आप मेरे को 2019 से वापस मोदी जी बिल्कुल डेफिनेटली सर जो सबसे बड़ी भूल है वो कमल का भूल है अब तो 2019 में किसको वोट देंगे अब तो साहब बहुत सोचना पड़ेगा आप देने के लिए हम तो वोट देना चाहते तो हमारे सीमा पे कमल ही दिखता है कुछ दिखता ही नहीं है तो 2019 से किसको वोट देंगे अरे ऑफकोर्स मोदी जी को ही देंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं नहीं बहुत बेकार काम कर रहे हैं मतलब मोदी जी को वापस वोट देना है बिल्कुल 100% राहुल गांधी नहीं नहीं नो 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 राहुल गांधी की सलाह कुछ है कोई सलाह नहीं सर नो कमेंट 2019 में किसको वोट देंगे बिल्कुल बीजेपी को ही देंगे 100% बीजेपी को देंगे मतलब कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी को ही दोगे भाई सामने पप्पू है तो पप्पू को तो वोट दे ही नहीं सकते हैं वोटिंग का टाइम आएगा तो लोग या मोदी जो हो राहुल गांधी कोई भी हो तो उस पर जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करेंगे तो हम जिसको देखेंगे करते वक्त कि हाँ ये सही बात ये कर रहा है बोल नहीं रहा है वो टॉकिंग नहीं कर रहा है बल्कि वो वर्किंग कर रहा है तो उस बुनियाद पर हम उसको वोटिंग देंगे राहुल गांधी ही हैज टू लर्न मच मोर हो सकता है दिवाली के बाद कुछ करेंगे 2019 में आप मोदी जी को वोट नहीं दोगे मोदी और शाह और ताना शाह मोदी नहीं शाह ताना शाह 2019 से वापस मोदी जी को वोट देंगे अभी तो सोचना पड़ेगा इसके लिए राहुल गांधी अभी जरा क्या है कमजोर है जरा अभी राहुल जी को यही सलाह देंगे कि स्टडी अच्छे से करें किसी भी चीज़ की और जब भी कुछ बोले तो सोच समझ कर ही बोले क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ बयान देते हैं तो उनकी स्टडी पूरी नहीं होती है आंकड़े अपने थोड़े से सम्मिलित करके फिर बोले दिमाग में तो भैया बीजेपी घुसी हुई है लेकिन हो सकता है कि अगला वोट पलट के कांग्रेस को दे दें विरोधी पार्टी को दे दें